करने वाले हैं वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, यानी वन्य को भी एक प्रकार से संसाधन कहा जाता है और जीव भी क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। जैसे कि आप जानते हैं कि संसाधन जो होता है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वन्य को संसाधन और वन्य जीव यानी जो वन्य में रहने वाले जीव हैं उन्हें भी संसाधन कहा गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा वन्य वन्य जीव संसाधन है यह क्या है, यह संसाधन कहेंगे क्योंकि जो वन्य हैं यानी जो पौधे हैं वो भी हमारे लिए आवश्यकता की पूर्ति ही करते हैं। ठीक है, और जो वन्य जीव हैं जो जीव हैं यहाँ पर वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ सहायता देते हैं, या तो उनके द्वारा दूध हो या उनके मांस वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता दिवस। जीव माने होता है सजीव, जीव मतलब होता है सजीव, विविधता मतलब अनेक प्रकार के, यानी जो यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव और पौधे हैं उनके लिए जो है एक दिवस मनाया जाता है जिसे जैव विविधता दिवस कहा जाता है। जैव विविधता दिवस जो है, विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और वन्य जीव को बचाने के लिए, जंतु और यहाँ के पौधों को बचाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। इसका विस्तारित रूप होता है हिंदी में अगर देखें तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। यह संस्था जो यह कार्य करती है, जैसे कि अगर कोई जीव, या तो जीव हो या तो जंतु हो, अगर उसकी स्थिति अगर संकटग्रस्त है, वह पौधा संकटग्रस्त है, अगर वह जीव संकटग्रस्त है, तो उसकी सूची तैयार करने का अगर कार्य जो है वह संस्था करती है IUCN, यानी यही बताती है कि कौन सा जीव संकटग्रस्त है और कौन सा जीव जो है यहाँ से पूर्णतः विनाश के कगार पर है। जैसे कि एशियाई चीता अगर पहले देखने को मिलते थे, लेकिन इस समय इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। जैसे कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु क्या है, चीता। और यह जो है, यह चीता बिल्ली परिवार से बिलोंग करता है और इसका जो अगर दौड़ देखें तो 112 किमी प्रति घंटा होती है एशियाई चीता की। और 1952 ईस्वी में IUCN संस्था ने यह घोषणा कर दी कि जो एशियाई चीता है उसकी लुप्त होने की सूचना 1952 में IUCN संस्था ने दिया कि भाई जो एशियाई चीता है यह लुप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अगला है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लगाया गया। जीव सुरक्षा अधिनियम का मतलब है कि किसी भी जीव पर आप मारकर उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार सलमान खान ने भी किसी हिरण की हत्या कर दी थी गोली से मारकर, तो उस पर काफ़ी दंड लगाए गए थे कानून के द्वारा। तो इसी प्रकार से यानी 1972 के नियम अधिनियम के तहत कहा गया कि कोई भी जीव को आप हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आपको अधिकार दिया गया है उसी प्रकार से उनको भी अधिकार है जीने का। ठीक है, तो अगला जो हमारा है वह है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना बहुत से चलाए गए हैं, यानी बाघ को बचाने के लिए योजना, यानी बाघ परियोजना। जैसे अगर आपसे पूछा जाती कौन, यानी जो बाघ है, बाघ की सबसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल में बाघ की जनसंख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यहीं पर एक तिहाई से भी अधिक बाघ पाए जाते हैं। अब देखिए अगला जो है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई, यानी प्रोजेक्ट टाइगर इन्हें बचाने के लिए जो नियम लागू हुआ वो प्रोजेक्ट टाइगर कहलाता है, 1973 में इसको लागू किया गया था। अब जैसे बाघ को बचाने के लिए अनेक प्रकार के उद्यान बनाए गए हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। बहुत से उद्यान ऐसे हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और एक बात आप यहीं से याद रखेंगे कि सुंदरवन वहाँ पर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में अगर बात करें कि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल करके वहाँ पर सुंदरवन का निर्माण करती है। सुंदरवन का मतलब है वहाँ से सुंदरवन, यानी वहाँ पर सुंदरवन पाए जाने के कारण जो है उसका नाम सुंदरवन रखा गया है। और वहाँ पर सुंदरवन लाने का कार्य है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के कारण। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्य जीव पशु विहार कहाँ है, यानी सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, तो आप याद रखना है राजस्थान कहाँ है, राजस्थान।
अगला है मानस अभ्यारण्य, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न है कि पेरियार बाघ रिजोर कहाँ है? तो आपको याद रखना है केरल में। ऐसे बहुत से उद्यान बनाए गए हैं भारत में, और उसको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कितने उद्यान जो है बनाए गए हैं और किस किस के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि अगर बात करें कि गुजरात का गिर राष्ट्रीय में बाघों के लिए, एशियाई चीतों के लिए वहाँ पर प्रसिद्ध है। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ से तो हमने जंतु के बारे में पढ़ा जो संकटग्रस्त हैं, लुप्त हो गए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे भी यहाँ पर पौधे हैं जो लुप्त हो रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें हिमालयन योग औषधि, क्या है? हिमालयन योग औषधि का नाम हिमालयन योग, हिमाचल प्रदेश के वनों में, हिमाचल प्रदेश के वनों में वहाँ पर एक औषधि पाई जाती है जिसका नाम है हिमालयन योग, यो उसका नाम है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में पाए जाने के कारण उसका नाम हिमालयन योग रखा गया है। यह एक प्रकार की ऐसी औषधि है जिसका कैंसर के उपचार में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इससे एक रसायन निकाला जाता है जिसका नाम है टक्सोल, क्या निकाला जाता है? टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, और इस रसायन से कैंसर की इलाज किया जाता है। लेकिन अगर टक्सोल रसायन निकाला जाता है तो इससे निकालने से पौधों को यह हानि होती है कि जो पौधे हैं हिमालयन योग के वो सूख जाते हैं, और सूखने के कारण जो है इस समय अगर इसकी गणना करने पर मिला है कि जो हिमालयन योग है इसकी जो पौधे हैं किस्म है बहुत ही कम पाए गए, ठीक है। यानी यह भी जो हमारा है संकटग्रस्त ही पौधा है। जैसे अब आता है सर्पगंधा, यह एक ऐसा पौधा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। आपको अन्य कहीं भी देश में जाएंगे तो सर्पगंधा नहीं मिलेगा, केवल भारत में ही मिलता है। इसके बाद आता है अर्जुन, अर्जुन पौधा का नाम है, यह भी संकटग्रस्त ही पौधा है। अर्जुन का प्रयोग जो है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किया जाता है, यानी जो बीपी के मरीज हैं, रक्तचाप के मरीज हैं उनके लिए अर्जुन की छाल को काढ़ा अगर दिया जाए तो काफ़ी उसे कंट्रोल बीपी को किया जा सकता है। इसके बाद आता है कचनार, कचनार भी एक प्रकार का पौधा है, इसका प्रयोग जो है दमा व फोड़ों के अल्पस में किया जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन पौधों को किसी भी के सहारे आप इसको देख सकते हैं। इसके वजह कि इस धरातल पर अगर बात करें तो 90,000 जीव जंतु है, यानी यहाँ पर जंतु की अगर बात करें तो 90,000 प्रजातियाँ हैं, यहाँ पर 90,000 प्रजातियाँ हैं। 47,000 यहाँ पर पौधे हैं, और 15,000 के अंतर्गत 15,000 यहाँ पर फूल पाए जाते हैं हमारे भारत देश में।